वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन हम सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज एंड एक्सचेंजेस स्टॉक के बारे में बात करने वाले। लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले और आने वाले वीक में यहाँ पे अपडेट देगी कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं सीडीएसएल स्टॉक के लिए, कहाँ पे ज्यादा सपोर्ट लेने के चांसेस और रिविजन लेने के चांसेस है वो भी यहाँ पे हम देखने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते 1098 लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग दिए सीडीएसएल स्टॉक ने फ्राइडे के दिन में। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि एक अच्छी मूवमेंट करता हुआ नजर आ चुका था। 23.65 पैसे ऊपर क्लोजिंग दी थी, 2% के ऊपर रैली करता हुआ नजर आ चुका था सीडीएसएल स्टॉक मंडे के दिन। तो सीडीएसएल स्टॉक गैप अप से ऊपर ओपन होता, ओपन होने के बाद यहाँ पे फ्राइडे के दिन एक अच्छी मूवमेंट की थी, पर दोपहर के बाद यहाँ पे मार्केट क्लोज नेगेटिव हुए, वैसे यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी सीडीएसएल स्टॉक में और प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका था। डे एंडिंग में ओपन हुआ था 1107 पे। हाँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप भी देख सकते हो कि 11.47,000 करोड़ की है, पी रेशियो 36.87 का है। तो पिछले 5 दिनों में करीबन यहाँ पे आप देख रहे 6% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी और 1 मंथ में 23% से ज्यादा यहाँ पे गिरावट होती हुई नजर आ चुकी थी सीडीएसएल स्टॉक में। सर, सीडीएसएल का चार्ट एनालिसिस देखा जाए तो आने वाले वीक में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, तो यहाँ पे आप देख रहे सीडीएसएल स्टॉक में गिरावट होती है तो 1050 लेवल तक फिर से आ सकता है, जहाँ पे सपोर्ट 4 है। तो वहाँ पे सपोर्ट 4 को ब्रेकआउट देता है तो फिर से यहाँ पे 1000 लेवल तक जा सकता है नीचे, और यही से ऊपर आता है तो सपोर्ट 3 जो है तकरीबन 1150 लेवल के करीब है, तो वहाँ तक जाने के चांसेस दिखाई दे सके आने वाले वीक में सीडीएसएल स्टॉक के लिए। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट सीडीएसएल स्टॉक के लिए।